अगेन काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रॉपर्टीज। अगेन क्लियर, इस केस में इंटरेस्टिंग केस क्या है जस्ट चेक करो। इस केस में मैंने जस्ट एरे क्रिएट किया, एरे के केस में साइज प्रोवाइड किया एज ओनली 2 और एरे का साइज 2 है। इस केस में एलिमेंट क्या असाइन किया 20 एंड 30। 20 किस इंडेक्स में साइन होगा? 0 इंडेक्स में। और 30 किस इंडेक्स में साइन हो रहा है? ओनली 1 इंडेक्स। मींस फाइनली अगर आपने एरे का साइज 2 पास किया था इस केस में वैलिड पोजीशंस क्या होंगे इंडेक्सेस के लिए? 0 एंड 1। अगर आप इस केस में इंडेक्स यूज करते 2 वैलिड इंडेक्स है, इनवैलिड इंडेक्स। सेम एज अगर आप इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स प्रोवाइड करते नेगेटिव इंडेक्स भी कैसा ऑल्सो इनवैलिड। लेकिन इस केस में कॉन्सेंट्रेट करो ने एरे में असाइनमेंट किस में किया -1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। चेक करें इसका बिहेवियर क्या रहेगा। वन मोर थिंग्स, अगर इस प्रोग्राम का रिजल्ट और डायग्राम अगर आप स्टैक के फॉर्म में क्रिएट करो देन ओनली इसका बिहेवियर समझना पॉसिबल है। क्लियर, अगर आप विदाउट स्टैक क्रिएट करो देन आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, इसलिए मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ इस केस में जस्ट स्टैक डायग्राम। स्टैक के केस में आप एड्रेसेस कुछ भी यूज कर सकते हो। मीन्स मैं एड्रेसेस के लिए आपको फोकस नहीं कर रहा हूँ। इस केस में जस्ट आपको स्टैक के प्रॉपर्टीज फॉलो करना, रिलेशन कैसा होना चाहिए सेम एज प्रीवियस मेंशन्ड एग्जांपल्स। जस्ट मैंने सिंपली स्टैक क्रिएट किया। स्टैक के केस में अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस क्या रहेगा? 98, 96, 94, 92, 90 और 88। सेम एज नेक्स्ट पेज क्या रहेगा? समथिंग 102 एंड सो ऑन। क्लियर, फर्स्ट वन सबसे पहले जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर होगा मेमोरी किसके लिए एलोकेट करोगे? सबसे पहले एक्स के लिए। मीन्स जिस सीक्वेंस में मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किए सेम सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे। तो सबसे पहले मेमोरी स्पेस किसके लिए एलोकेट हो रहा है? वेरिएबल एक्स। वन मोर थिंग्स, इस केस में अगर इस प्लेस का एड्रेस 100 है देन इसको एक्सेस करने का अदर अप्रोच क्या हुआ? *100। सेम एज *98। सेम एज प्रीवियस मेंशन्ड प्रॉपर्टीज। क्लियर, सबसे पहले मेमोरी स्पेस किसके लिए एलोकेट हो रहा है? वेरिएबल एक्स। मींस एक्स और *100 दोनों ही लोकेशंस कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम प्लेस। मींस 100 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। नेक्स्ट केस में मैंने सिंपली प्रोवाइड क्या किया है एरे डिक्लेरेशन से। एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने? ओनली 2 एलिमेंट्स। तो स्टैक के टॉप में नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स रिजर्व किसके लिए जाएंगे? गिवन एरे ए। इस केस में ए कितने बाइट्स का नेम है? 2 + 2 मीन्स 4 बाइट्स का नेम। क्लियर, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा? 0। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? जिसका एड्रेस स्मॉलेस्ट है। और नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 1। और आप बोल सकते हो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का वे क्या होगा? A0 एंड A1। यहाँ नेम्स आपको राइट करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट में आसान क्या हो रहा है? वैल्यू एज 20 एंड वैल्यू एज 30। क्लियर, नेक्स्ट डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई। तो नेक्स्ट टाइम मेमोरी किसके लिए एलोकेट करेंगे? वेरिएबल वाई के लिए। वाई का वैल्यू क्या सान हुआ है? 40। क्लियर, मीन्स एड्रेस सेम रिलेशन को फॉलो करके क्रिएट करो। मीन्स एड्रेस कुछ भी आसान करो लेकिन डिफरेंस कितने का होना चाहिए? एग्जैक्टली 2 बाइट्स। नेक्स्ट में फर्स्ट केस में जस्ट मैंने इनिशियली टेस्ट करने के लिए डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो करेंटली एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में अवेलेबल वैल्यूज क्या है इसके जो कि इनिशियली मेंशन किया है। तो इनिशियली x का वैल्यू क्या आसान किया? 10 और y का वैल्यू क्या आसान हुआ है? 40। तो फाइनली डिस्प्ले क्या हो जाएगा? 10, 40। नथिंग न्यू हियर। नेक्स्ट वन, आपको कॉन्सल्टेट करना गिवन एक्सप्रेशन। देखा जाए तो इसके साथ -1 इंडेक्स एरे के रिस्पेक्ट में वैलिड इंडेक्स है इनवैलिड इंडेक्स। क्योंकि एरे के लिए वैलिड इंडेक्स पोजिशन क्या? 0 एंड 1। लेकिन मैंने आपको बताया था एरे एक्सप्रेशन मेमोरी के अंदर प्रोसेस किस फॉर्म होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। ये सब पॉइंटर प्रॉपर्टी को फॉलो करके इसको सॉल्व करो देन आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल है। देन जस्ट मैंने इस प्लेस पर राइट डाउन क्या किया? ए ऑफ -1 = 1। इस प्लेस पर जस्ट इसका इक्विवेलेंट अगर कन्वर्जन राइट डाउन करना है पॉइंटर कन्वर्जन क्या हुआ? *a + i। देन ए के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ? एग्जैक्टली ए। आई के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ? -1। तो आई के प्लेस पर पुट क्या करेंगे? एज -1 = 1। *a। ए क्या इस केस में? ए जा नेम ऑफ दिस एरे और एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होता है? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। इस एरे के अंदर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है? 96। तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे? 96। क्लियर, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? -1 = 1। 96 से कितने वाइट्स को रेफर कर रहा है? 2 वाइट्स। तो इसलिए अगर आप 1 से इंक्रीमेंट करो तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा? 1 से। सेम एज अगर आप 1 से डिक्रीमेंट कराओ तो डिक्रीमेंट भी कितने से परफॉर्म होना चाहिए? एग्जैक्टली 2। तो फाइनली इसके इसमें सब्ट्रैक्शन कितने से होगा? 1 से या 2 से? 2 से। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 94 = 1। तो फाइनली लॉजिकली ये 1 आसान किस्म हो रहा है। लोकेशन स्टार 94 और स्टार 94 इनडायरेक्टली क्या? वाई। तो मीन्स फाइनली इसके इसमें इनडायरेक्टली चेंजेस किस्म हो रहे हैं? वेरिएबल वाई। मीन्स अगर ये इंडेक्स 0 तो इसका प्रीवियस इंडेक्स लॉजिकली क्या रहा होगा? -1, -2, -3 लाइक दैट। फाइनली इस प्लेस पर सॉरी इस 40 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? न्यू वैल्यू एस 1 ना वाई बिकम्स 1। मीन्स अगर आप ए ऑफ -1 में असाइनमेंट करो तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस्म हो रहा है? वेरिएबल वाई। ना वैल्यू ऑफ वाई बिकम्स 1। सेम एज इन नेक्स्ट केस, सेकंड केस में क्या ए ऑफ 2, लेकिन देखा जाए तो ए ऑफ 2 क्या है? इनवैलिड इंडेक्स। लेकिन आपको पॉइंटर्स का प्रॉपर्टीज फॉलो करके सॉल्व करना होगा इस केस में। अगेन ए ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्टार ए प्लस 2 इक्वल्स टू 2। ए के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे एरे का बेस एड्रेस 96 + 2 = 2। 96 में 2 ऐड कराओ तो एडिशन कितने से होगा? 4 से। क्या आएगा इस केस में? 98 = 2। फाइनली 2 उस लोकेशन में होगा जिसका नेम स्टार 98 और स्टार 98 उस लोकेशन का नेम होगा जिसका एड्रेस 98 है। क्लियर? तो इस केस में फाइनली असाइनमेंट के सॉरी यहाँ मैंने टाइप कुछ मिस्टेक किया गया। 96 + 4 96 प्लस एडिशन कितने से होगा? 4 से। तो इस प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा? 100। रिजल्ट क्या आएगा इस केस में? 100। अगर 1 से इंक्रीमेंट कराते हैं तो इंक्रीमेंट कितने से होता है? 2 से। सेम है अगर 2 से इंक्रीमेंट कराते हैं तो इंक्रीमेंट कितने से होगा? 4 से, क्योंकि ये एड्रेस कितने वाइट को रेफर कर रहा है? 2 वाइट्स। तो फाइनली 2 उस लोकेशन में आसान होगा जिसका नेम स्टार 100 और स्टार 100 उस लोकेशन का नेम होगा इसका एड्रेस 100 है। तो इस केस में स्टार 100 किस लोकेशन का नेम है? वेरिएबल एक्स। तो इस प्लेस पर जस्ट आसान क्या हो जाएगा? वैल्यू एज 2। ये चेंजेस किस में कराए थे? ए ऑफ 2 में। इनडायरेक्टली वैल्यू किसमें साइन हुआ? वेरिएबल एक्स। इसलिए मैंने टेस्ट करने के लिए अगेन डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो फाइनली करंट केस में एक्स का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है? 2 एंड वाई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है? 1। जबकि इनिशियल वैल्यूज क्या थे एक्स और वाई के? 10 और 40। क्लियर? नेक्स्ट 1 अगेन डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ A0। A0 में करंटली वैल्यू क्या है? 20। वैल्यू ऑफ A1 में वैल्यू क्या है? 30। वैल्यू ऑफ ए ऑफ -1 इसे अगर ये 0 इंडेक्स है ये 1 है तो इसका प्रीवियस इंडेक्स क्या है? -1। नेक्स्ट इंडेक्स लॉजिकली क्या है? 2। तो ए ऑफ -1 मीन्स अगर जब इसको ए ऑफ -1 को आप सॉल्व करो तो इससे क्या मिलेगा आपको? स्टार 94 और स्टार 94 में करंटली वैल्यू क्या है? 1। इसलिए इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ? 1। सेम एज ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 को जब प्रोसेस करो तो इससे क्या मिलेगा आपको? स्टार 100 और स्टार 100 में करंटली वैल्यू क्या है? 2। तो इसलिए डिस्प्ले क्या होगा? 2। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या है? 20, 30 and 1, 2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ गिवन प्रोग्राम्स। इस फाइनल केस में याद रखना सारे के सारे एरे या एक्सप्रेशन प्रोसेस किस फॉर्म में होते हैं? पॉइंटर्स में। इसलिए इस केस को प्रूव करना पॉसिबल हुआ है।